लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। बालमुकुंद आयरन फैक्ट्री में मशीन के बेल्ट में फंस जाने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत। भाकपा माले नेताओं ने की लापरवाह कर्मियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जमुआ में श्री विधि से किए जा रहे धान रोपाई का किया निरीक्षण। कहा श्री विधि योजना किसानों के लिए है अत्यंत लाभदायक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने वृद्धा आश्रम में किया वैक्सीन शिविर का आयोजन। शिविर में सभी बुजुर्गों को दिया गया वैक्सीन का दूसरा डोज। और जल समस्या के निदान को लेकर डिप्टी मेयर ने की बैठक। अधिकारियों को जल्द जल समस्या का निदान करने का दिया आदेश। अब खबरें विस्तार से। चतरो स्थित बालमुकुंद लॉ फैक्ट्री में शुक्रवार रात को मशीन के बेल्ट में धंसने से दो मजदूरों की मौत हो गई। दो मजदूरों की मौत पर भाकपा माले नेताओं ने मामले की जांच कर लापरवाह कर्मियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। चतरो स्थित बालमुकुंद लॉ फैक्ट्री में शुक्रवार रात को एक हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई। बताया गया कि मशीन के बेल्ट में फंसने से दोनों मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों के कई अंग के कट जाने की खबर भी आई है। मृतकों में ताराटांड के फुलची निवासी 55 वर्षीय टेटू यादव और गांडे रसकुट्टो के 57 वर्षीय किनू तुरी शामिल हैं। टेटू यादव के भतीजे सुरेश यादव ने बताया कि उनके चाचा विगत 8 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। शनिवार की सुबह फैक्ट्री से खबर आई कि टेटू की मौत हो गई है। इस सूचना के बाद सभी लोग अस्पताल पहुंचे। इन लोगों ने कहा कि प्रबंधन ने मुआवजा देने की बात कही है। प्लांट में काम करता था। कौन प्लांट में काम करता था? कहाँ पर? बालमुकुंद मानपुर। अच्छा, तब काम करता था। काम कर रहा था, स्विच दे दिया था। हाँ, स्विच दे दिया था। कोई साफ कर रहा था इसमें घुस के अंदर में। हाँ, तो स्विच दे दिया। अच्छा, बेल्ट से लपट के मार दिया। ओह, कितना दिन से वहाँ काम कर रहा था? 8-10 साल। क्या नाम है इनका? किन्नू चूरी। फोन किया गया 4 बजे बहुत। अच्छा, बोला सीरिया से सदर अस्पताल में। अच्छा, तो आप लोग आए तो क्या देखे? उसी टाइम 2:30 बजे कॉल आया तो उसका निधन हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये पता नहीं, पूरा शरीर देखेंगे, पूरा खून से लथपथ, सोने टाइम बेल्ट में फंस गया। बेल्ट में फंस गया। कौन लगते हैं आपका? मेरा दादाजी लगते हैं। दादाजी कितना दिन से वहाँ बालमुकुंद में काम कर? लगभग 4 साल। इधर भाकपा माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। केवल मुआवजा देने से इस प्रकार की घटना पर रोक नहीं लग सकता। प्रशासन पूरे मामले की जांच करे। किसकी लापरवाही से घटना हुई इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गिरिडीह के ज्यादातर लोहा फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जाता है। एक तरह से कहिए कि कानूनों का खुला उल्लंघन करके वहाँ मजदूरों से काम लिया जाता है, बहुत ही अमानवीय स्थिति में और सुरक्षा के साथ समझौता करके। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। इसी के तहत में अभी पिछले कल रात को भी पता चला कि बालमुकुंद फैक्ट्री में गांडे और ताराटांड थाना क्षेत्र के दो मजदूर क्रमशः किनूपुरी और टेटू यादव की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिली, हम लोगों ने इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल की है। पता लगा है कि फैक्ट्री प्रबंधन के लोग मजदूर के परिवार को बरगला करके और उनको किसी तरह मुआवजा देकर के मामले को रफा दफा कर लिए हैं या कर चुके हैं। हमारा इसमें यह कहना है कि सिर्फ मुआवजा देना समस्या का समाधान नहीं है। ये आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। असल मामला है सुरक्षा के मानकों का ख्याल करना और उसका कड़ाई से पालन करना। ये नहीं हो रहा है। हम मौजूदा सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले ये जो मजदूर दोनों मरे हैं, जिसमें साफ साफ प्रबंधन के मैनेजमेंट की लापरवाही दिख रही है, सबसे पहले फैक्ट्री के प्रबंधन के ऊपर में हत्या का मामला दर्ज हो और उनको पर्याप्त तरीके से मुआवजा मिले। उनके जो पत्नी को आजीवन पेंशन मिले, उनके परिजन आश्रित में से किसी को वहाँ पर रोजगार भी मिले। जैसा कि पता है कि बालमुकुंद में जो कि मौत हुई है, हादसा हुई है और ये लगातार होता रहता है फैक्ट्री क्षेत्र में, चाहे वहाँ पे कहीं भी। हम माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी से भी अनुरोध करेंगे कि फैक्ट्री का जो मानक है, जो मजदूरों का एक नियम कानून है,
उस तहत में थोड़ा सा वहाँ पे सुरक्षा का एकदम ख्याल नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले इस पर पहल की जानी चाहिए। सरकार से भी निवेदन है, प्रशासन से भी निवेदन है, क्योंकि प्रशासन उस एरिया में खासकर अच्छी स्थिति नहीं है। हम आपके माध्यम से एसपी साहब से भी कहना चाहेंगे कि उन क्षेत्रों में जो हो रहा है उस पर कड़ी नज़र रखें। डीसी साहब से भी कहना चाहेंगे कि कड़ी नज़र रखें। और एक जानकारी के मुताबिक हम बताना चाहते हैं कि लेबर ऑफिस में एक चार्ट रहता है कि किस एज का व्यक्ति यदि हादसा में फैक्ट्री में मर गया तो उसको कितना मिलता है, तो उस हिसाब से चार्ट बना रहता है। हम लोग चार्ट पर बात करते हैं कि किसी को 8 लाख मिल रहा है, किसी को 15 लाख 20,000 अभी मिला हुआ था, तो हम चार्ट देखकर बात करते हैं और फैक्ट्री से पहले बात करते हैं। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उस चीज़ को छिपा देते हैं और आम लोग को इस बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले ये पता करिए, बाई चांस हम लोग नहीं आ सके, कहीं बाहर भी हैं, तो आप पता करिए कि लेबर ऑफिस का चार्ट कितना है, 35 साल में मरा तो कितना है, 40 साल में मरा तो कितना है। उस अनुसार से यदि फैक्ट्री आपको देखता है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं देता है तो वो समझिए कहीं ना कहीं बिचौलिया के साथ तालमेल रखा हुआ। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने जमुआ प्रखंड के चरघरा पंचायत में श्री विधि से किए जा रहे धान रोपाई का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि श्री विधि योजना से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे किसानों को काफी मुनाफा मिलेगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को जमुआ प्रखंड के चरघरा गांव में केदार महतो के जमीन पर श्री विधि से की जा रही धान रोपाई का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने श्री विधि से लगाए गए अरहर, मक्का, करेला, मिर्च, खक्सा आदि फसलों का निरीक्षण भी किया। मौके पर श्री सिन्हा ने केदार महतो की प्रशंसा की। उपायुक्त श्री सिन्हा ने कहा कि कृषि कार्य को बढ़ावा देने व किसानों की आय बढ़ाने को लेकर श्री विधि योजना को धरातल पर उतारा गया है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा किसान श्री विधि से खेती करें। मौके पर कृषि विभाग के रमेश कुमार, जमुआ प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार गोस्वामी, बीटीएम पवन कुमार, एटीएम समेत कृषक मित्र मदन कुमार, जयप्रकाश नारायण वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को कोविड-19 का दूसरा डोज दिया गया। ज्ञात रहे कि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को अप्रैल में ही वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा शनिवार को वृद्धाश्रम ग्रीडी में रहने वाले बुजुर्गों को कोविड-19 का दूसरा डोज दिया गया। बताया गया कि यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को अप्रैल में ही वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप कुमार बर्तम ने सिविल सर्जन से संपर्क स्थापित कर यहां रहने वाले बुजुर्गों को दूसरा डोज देने का निर्देश दिया। इसी के तहत आज यहां सभी लोगों को टीकाकरण का दूसरा डोज दिया गया। टीकाकरण शिविर में पीएलवी सीमा देवी और कामेश्वर कुमार का सहयोग सराहनीय रहा। नगर निगम सभागार में उप महापौर ने पानी की समस्या के समाधान को लेकर एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द पानी की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। नगर निगम सभागार में शनिवार को डिप्टी मेयर प्रकाश राम की अध्यक्षता में पानी की समस्या को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शहर में पानी की समस्या और बचे हुए कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। उप मेयर ने बताया कि पानी की समस्या को लेकर 15 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां जल्द से जल्द कार्य शुरू कर शहरवासियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। 1 से 2 दिनों में यहां के लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चैताड़ी में पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। उन्होंने स्थानीय लोगों और वार्ड पार्षदों से आग्रह किया है कि वे निगम का साथ देते हुए समस्या के समाधान में जुट जाएं। निगम की ओर से फंड की राशि जल विभाग को दी जा रही है। पानी की समस्या को लेकर और नगर निगम के सभी जल से संबंधित विभागीय पदाधिकारियों की एक बैठक और यह इस नगर निगम का जो संवेदक है उनके प्रतिनिधि के साथ और एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम के अंदर पानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह बल्ब को लेकर हो या पाइप बिछाने को लेकर हो या जो भी इस प्रकार की समस्याएं हैं, उस पर विस्तार रूप से चर्चा की गई है।
और कुल ऐसे 15 स्थानों को हमने चिन्हित किया है जहां मुझे लग रहा है कि अगर हम बाल्ब को चेंज करेंगे या कहीं पाइप बिछाने का काम हम थोड़ा बहुत करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जहां बाल्ब की समस्या को लेकर अगर हम कोई काम करते हैं तो स्थानीय लोगों के द्वारा भी व्यवधान होता है। तो मैंने वहां के जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं उनको हमने कहा है कि हमारे जब नगर निगम के पदाधिकारी उस समस्या के समाधान के लिए जाएंगे तो आप उनको पूरा पूरा मदद करेंगे ताकि निर्भीक होकर और ये जो काम वहाँ करना है वो काम कर सकें और जो पानी से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की एक बैठक हुई। इस बैठक में कुछ शर्तों के साथ विद्यालय खोलने का आदेश दिया गया। सभी जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी। रेस्तरा और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्लब भी खुल सकेंगे। सभी विद्यालयों और कॉलेज में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे। विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11 और 12 खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी। अधिकतम 4 घंटे पढ़ाई होगी। 12 बजे अपराह्न तक पढ़ाई होगी। कॉलेज में यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेंगी। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अधिकतम 4 घंटे तक पढ़ाई होगी। प्रबंधन की आज बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित की गई थी और लगातार हम लोगों ने COVID-19 की समीक्षा करते हुए और राज्य की वर्तमान परिस्थितियों में कहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं और फिर जो तीसरे वेव के लिए भी हमको कैसे सतर्कता बरतनी है, सारे विषय पर बहुत गंभीरता पूर्वक करीब 2 घंटे तक लंबी बैठक चली है। उस बैठक के उपरांत कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उसमें पहला है कि जैसे रविवार को हम लोगों ने बंद रखा था उसमें रविवार को हम होटल वगैरह खोलेंगे। आवश्यक चीज़ जैसे है फल है, दूध है, मेडिकल का सामान है, फिर ग्रॉसरी का सामान है, तो 10 बजे रात तक होटल वगैरह खोलने का हम लोगों ने ये किया है। उसमें दूसरा है कि जितने सरकारी कार्यालय हैं या निजी कार्यालय हैं वो 100% उपस्थित रहेंगे, जो पहले हम लोग 50% किए हुए थे। स्कूलों में कक्षा 9, 10, 11, 12 की ऑफलाइन क्लास जो है उसकी भी अनुमति दे दी गई है अभिभावक की अनुमति पर, ठीक है, जो चाहेंगे। और कॉलेज में यूजी पीजी की जो है फाइनल ईयर की कक्षा की अनुमति प्रदान कर दी गई है। स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर हैं उसमें आईटी और जो भी उससे जुड़े हुए हैं सारे खुले रहेंगे, ठीक है, उसमें खोलने का उसमें हम लोगों ने ये कर दिया है। इसी के साथ सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं, राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली परीक्षाएं, यूजी और पीजी में फाइनल ईयर की परीक्षाएं की अनुमति दी गई है ऑफलाइन की, ठीक है। अंतर्राज्यीय बस सेवा की अनुमति दी गई है। शादी विवाह समारोह में जो 50 लोग का ये था उसको 100 कर दिया गया है। रेस्टोरेंट जितने भी हैं खाने पीने के वो रात 10 बजे तक इतवार सहित, पहले इतवार को बंद है, इतवार सहित चालू रहेंगे। लगातार बारिश से सीतलपुर में एक वृद्धा का कच्चा मकान गिर गया। उन्होंने वार्ड पार्षद को आवेदन देकर नया मकान बनवाने की मांग की है। 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण सदर प्रखंड के सीतलपुर निवासी मुसेमात सोनिया का घर गिर गया। बताया गया कि शुक्रवार की रात तेज बारिश होने से मुसेमात सोनिया का कच्चा मकान ढह गया। घर गिरने के बाद उन्होंने वार्ड पार्षद अजय रजक को इसकी जानकारी दी।
लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मुसेमात सोनिया अत्यंत गरीब है, इनके परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने प्रशासन से जल्द नया घर बना देने की मांग की है। घर गिर गया सर, देखिए ना, बाल बच्चा बच गए ना, दबा के मर जाते हैं। हम लोग अभी बना पाएंगे कहाँ से बनाएंगे, खाने का ठेकान है। जो लाल कार्ड में राशन मिलता वही हम लोग खा के किसी तरह गुजर बसर करते हैं, बाल बच्चा पोस रहे। अभी हम लोग तुरते बनाने सकेंगे न सकेंगे। कॉलोनी का दिए आप लोग आवेदन? हाँ, कागज पत्र सब दिलो हो, वार्ड पार्षद के दे दिलो हो। अभी तक ना थे उनको बयान हो देख के गेलो। हमने अपने गरीब आदमी ये कहाँ से बने पे, कोई कमा वाला नहीं, एगो बूढ़ा ससुर है वो अब कमा हो सके तो की करिए, कहाँ से बने। बगोदर प्रखंड के तुकतुको गांव में मूसलाधार बारिश से एक गरीब व्यक्ति का कच्चा मकान गिर गया। उन्होंने प्रशासन से जल्द आवास दिलाने की मांग की है। बगोदर प्रखंड के तुकतुको गांव में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से एक गरीब व्यक्ति का कच्चा मकान ढह गया। बताया गया कि रात को परिवार के सभी लोग अंदर सोए हुए थे, इसी दौरान घर गिरने की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ गए और अपनी जान बचाई। कहनी जे ही मैया के कह दी बाहर आने के, बारिश के चलते मेरा घर गिर गया है और हम लोगों को रहने के लिए बहुत परेशानी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जमुआ प्रखंड के पोबी में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जांच के बाद अभिभावकों को रेफर सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा शनिवार को जमुआ प्रखंड के पोबी, धुरैता और चरघरा पंचायत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर चंदन कुमार वत्स द्वारा 18 वर्ष के किशोरों की यहां जांच की गई। जांच के उपरांत बेहतर इलाज के लिए मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ, सदर अस्पताल ग्रीडी व रांची रिम्स रेफर किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका, सहिया, पोषण सखी आदि ने सराहनीय योगदान किया। शिविर में प्रज्ञा केंद्र के वीएलई योगेश पांडे, सेविका पुष्पा देवी, माधुरी देवी, रवि स्वर्णकार, रामजी साव, मनोज राम, मुन्नी देवी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोबी पंचायत भवन में बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से देखा गया। जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग पाए गए या फिर किसी तरह का गंभीर बीमारी से ग्रस्त पाए गए उन्हें ब्लॉक हॉस्पिटल सीएससी, जिला हॉस्पिटल ग्रीडी और रिम्स रांची भेजा गया है ताकि उनका इलाज सही तरीके से होकर वो फिर अपने स्वस्थ जीवन को जी सके। जो बच्चे सैम है यानी कि खान पान या इस सब से कमजोर हो गए शारीरिक रूप से, उन्हें हम जो है यहाँ पर दो बच्चों को हम सीएससी जमुआ भेजे हैं ताकि वो एमटीसी में 15 दिन भर्ती होकर के फिर उनका वजन बढ़े, वो फिर ठीक से स्वस्थ हो जाए और फिर अच्छे से अपना फिर उनका मानसिक और शारीरिक रूप से विकास हो। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बालमुकुंद आयरन फैक्ट्री में मशीन के बेल्ट में फंस जाने से दो मजदूरों की दर्दनाक मौत। भाकपा माले नेताओं ने की लापरवाह कर्मियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जमुआ में श्री विधि से किए जा रहे धान रोपाई का किया निरीक्षण, कहा श्री विधि योजना किसानों के लिए है अत्यंत लाभदायक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने वृद्धा आश्रम में किया वैक्सीन शिविर का आयोजन, शिविर में सभी बुजुर्गों को दिया गया वैक्सीन का दूसरा डोज। और जल समस्या के निदान को लेकर डिप्टी मेयर ने की बैठक, अधिकारियों को जल्द जल समस्या का निदान करने का दिया आदेश। आज का अंक आपको कैसा लगा, आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।